Varanasi. This mystic city has always drawn me towards it. A place where death is celebrated and the rich heritage goes back to time immemorial. ये एक ऐसी शहर है, कहते हैं कि शिवजी ने इसे अपने त्रिशूल में बसाए रखी है। इस नगरी के कुछ खास रीति रिवाजों में पतंगबाजी की भी एक अलग अहमियत है। मकर संक्रांति के अवसर पर बच्चे बड़े सब मिलके पतंग उड़ा के अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। Bongarda team is here to understand the kite landscape of Varanasi from Gangadhar, जो कि एक पतंग के मशहूर कारीगर हैं। उनके कारीगरी की बारे में जानेंगे और वाराणसी के एक चहीदे व्यक्तित्व गुड्डू तिवारी जी, जिन्हें प्यार से हम लोग गुड्डू भैया बोलते हैं, जिनसे हम मिलाएंगे आपको और वो हमें पतंगबाजी इन वाराणसी से रूबरू कराएंगे। बनारस काफ़ी पुराना शहर है, एशिया का ओल्डेस्ट सिटी इन एशिया। और यहाँ कल्चर के मामले में सब लोग जानता है, सांस्कृतिक जितने लोग सब अच्छे बड़े, रविशंकर जी, उदय महाराज, शांता प्रसाद जी, और मैंने ये सब लोग बनारस के प्रोडक्ट हैं। हरिप्रसाद चौरसिया वो भी बनारस के हैं और इसलिए बनारस को बहुत ही लोग मानते हैं, बहुत पसंद करते हैं। रही बात पतंग की, पतंग भी बनारस का बहुत पुराना है। दर्शक जो आप देख रहे हैं आज स्क्रीन में, गंगा दादा हैं। आई थिंक मोटा भाई अभय, मेरे जो छोटे भाई, उनके ब्लॉग में भी इनको कवर किया गया था। तो हम लोग सोचे कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से गंगा दादा को आपके सामने पेश करें। बहुत ही कम समय में ही इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है पतंग के। कितने खूबसूरत डिज़ाइन से बनाते हैं, सारे पतंग आपको आज दिखाएंगे। एंड क्या इनकी खूबी है पतंग बनाने में, वो भी आप लोग उसे जानिएगा। एंड वाराणसी के इस पावन धरती में जो हम लोगों को उन्होंने इतना बढ़िया मेहमान नवाजी किया है बोंगार्डा टीम को, इसके लिए हम लोग शुक्रिया गुजार हैं गंगादा का। एंड चलिए ठंडी ठंडी हवा लेते हुए गंगादा आप दिखाते रहिए क्या आपका ऐसा अनोखा डिज़ाइन है जो हम लोग कलकत्ता क्यों, भारत के सारे जगत से यूट्यूब पे देखिए। डिज़ाइंस तो बनाते बनाते दिमाग में जैसा आता है वैसा बनाता चालू कर देता हूँ। जैसे ये डिज़ाइन है, अब जनरली लोग तौक बनाते हैं तो मेरा तौक भी थोड़ा डिफरेंट है, जिसे तौकिया कहा जाता है इसे। हाँ, तो ये इन जनरली एक यू शेप का होता है, तो मैं इसको भी थोड़ा डिफरेंटली जो है करने की कोशिश करता हूँ। अब इसकी डिफरेंट टाइप का तौकिया है। हाँ, और ये करने का कारण ये है कि मुझे डिज़ाइनर काइट शुरू से बहुत पसंद थी। अच्छा। और जिस कारण जो है, और मिल नहीं पाती थी, बहुत रेयर लोगों के पास मिलता था। तो ये सब तरीके के पतंग बनाने में कितना समय लगता होगा? समय तो लगता है, एक तो नया मैं बना रहा हूँ, प्लस जो है ये डिज़ाइन काटना जोड़ना कैची। नया बना रहा हूँ ये मत बोलिए, क्योंकि नया में ही अगर इतना खूबसूरत डिजाइन आ जाएगा तो आप जब अगर 20 साल और ये देखिए दादा, ये पैशन की बात होती है। ये मैं इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। मतलब मुझे इसको मेहनत करने में थोड़ा सा भी वो नहीं होता है कि क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि जब चीजें बन के तैयार होकर हाथ में आती है तो वो खूबसूरत दिखती है।
जैसे बनारस के बारे में, पतंग के बारे में, जब पतंग मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ, मैं छत पे कभी आता था, हर घर में पतंगबाजी यहाँ होती थी, तो मदर फादर सब लोग बोलते थे ये धूप में खड़े होकर पतंग उड़ाना। उस पार में मैं, हमारे घर के ठीक सामने उस पार है, वहाँ खड़े होकर लोग पतंग उड़ाते थे। मैं सोचता था कभी कि ये पागल हैं क्या, कि ये दोपहर भर खड़े होकर करते थे। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं भी कभी इस पागलपन में शामिल होऊंगा। और आज के डेट में मैं पूरे तरीके से पतंग को, मैं बहुत ज़्यादा पतंग से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते बने। लेकिन आज देखता हूँ तो इसमें बनारस में भी आए थे आईजी आरपी सिंह, इस समय नोएडा में आईजी, बहुत शौकीन। हमारे एक बहुत ही क्लोज मित्र हैं जो सेंट मेरीज के प्रिंसिपल हैं इलाहाबाद में, वो पतंग के बहुत दीवाने। और कुछ डॉक्टर्स हैं जो बहुत पसंद करते हैं पतंगबाजी करना। उसके बाद कैफ, मोहम्मद कैफ, जो इंडिया का बड़ा प्लेयर, वो हमारे संग, मैं इलाहाबाद जाता था, मेरे संग खड़े होकर कैफ लड़ाता। कैफ का फादर आज भी लड़ाते हैं, अच्छा है ना। तो ये नहीं, आरपी जो अच्छा बॉलर, वो भी लखनऊ में आके ग्राउंड में हम लोगों के संग पतंग उड़ाया। बीच में मैंने इरफान पठान का भी एक वीडियो देखा था, हाँ उससे भी वो, हाँ तो ये सब बहुत, जब जब जिनको मौका मिला वो लोग पतंग उड़ाते हैं। और जैसे आप एक चीज बोल रहे थे, बहुत अहमियत है, बिकॉज हमारे ब्लॉग से भी इट्स सपोर्टेड बाय आईआईटी खड़गपुर स्टूडेंट्स, आईआईटी दिल्ली, आईएसबी, एक्सएलआरआई, आईएम कलकत्ता से भी काफी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी एज वेल एज एलुमनाई, कि उनको भी लग रहा है कि पतंगबाजी हम लोग देखते हैं सिनेमा में, देखें ये देखें ठीक है एज अ कल्चर, बट उसको एज अ पैशन कंटिन्यूसली परसू करने में भी उसका बहुत इंटरेस्ट ज्यादा है। दैट्स आई हैव सीन रिसेंटली धोनादा का वीडियो, आई वाज अमेज्ड, इट वाज शोन इन वन ऑफ द यूएस इंस्टीट्यूट्स, उन लोगों का वीडियो था, मेरे को तो बहुत ऑनर हुआ, बिकॉज दैट प्रोफेसर सेंट टोल्ड मी ऑन व्हाट्सएप दैट वी हैव शोन इन, स्टूडेंट्स हैड गिवन अ रिसाउंडिंग, आई मीन दे हैड इंटरेस्ट ऑन दैट वीडियो, and almost 18 to 20% views of that video from the US, yeah. Canada वाला video. तो अच्छा लगा कि काफी लोग देख रहे हैं, तो आपका भी इसमें, आप बोल रहे थे कुछ बातें कि अभी भी अपर क्लास नहीं बोलूंगा बट अपर क्लास नहीं, आज ये कह सकते हैं कि अपर क्लास के काफी लोग अब पसंद करने लगे, जो पहले घर के लोग नहीं पसंद करते थे, पतंग उड़ाने मना करते थे, आज लड़के नहीं लड़कियाँ बहुत पतंग उड़ा रही हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के BHU की लड़कियाँ जो पढ़ रही हैं, राजघाट बसंता कॉलेज की लड़कियाँ हैं, वो लोग भी पतंग उड़ाना चाहते हैं। फैमिली में बहुत सी लेडीज़ हैं जो अब छत पे खड़े होकर के अपने गार्जियन को बचा करके पतंग उड़ाती हैं, अच्छी पतंग लड़ा रही हैं। और यहाँ तो उस पार में हमारा ऐसा जगह है, पूरे इंडिया में इतना बड़ा जगह नहीं है। मैं बहुत शॉक्ड हुआ जब मैं पतंग में बहुत इन्वॉल्व हुआ, मैं कुछ जगह गया पतंग उड़ाने, और वहाँ मेरे एक, आज बहुत छोटे भाई हैं मेरे, लेकिन इंडिया का बहुत फेमस नाम है उसका, जैसे सचिन है क्रिकेट में, वैसे पतंग में वो है आगा, मोहम्मद आगा लखनऊ का। उसे मैं मिला तो उसको मैं ऐसे ही इन्वाइट किया कि यार बनारस भी आओ पतंग उड़ाने का, बनारस पतंगबाजी का कोई जगह है, बनारस भी पतंग उड़ती है। ये मैं बहुत फील किया था, मेरे को, मैं बहुत शॉक्ड हुआ था कि अरे यार हम लोग इतने पुराने पतंग के लोग, इतने बड़े बड़े बनारस के अंदर हमारे बुज़ुर्ग लोग उड़ाते थे बनाने वाले पतंग के बनारस में, लेकिन वो कोई जानता ही नहीं। तो मैं अपने दिमाग में एकदम ये चीज़ पॉइंट नोट किया कि हमें बनारस को एक ऐसे लेवल में खड़ा करना है कि यहाँ सब लोग शौक करने आए। यहाँ पे तो आप बोल भी रहे थे कि जितने टूर्नामेंट्स कराए हैं उसके बीच में मैंने एक टूर्नामेंट इसीलिए ऑर्गेनाइज किया कि हम लोकल टूर्नामेंट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऑल इंडिया कराएंगे। और उस लोकल में मैंने जितने नामी लोग हैं, जैसे विशुदा के फादर हैं कलकत्ता के, निमाईदा बहुत सीनियर, उनको मैं इन्वाइट किया, वो आए। सरवर जमाल लखनऊ के, राजा भाई या सरवर जमाल, ये दोनों आए, आगा आए। हमने ओपनिंग कराया मोहम्मद शाहिद से, उसने पतंग भी उड़ाया, ओलंपियन था। उसके बाद इलाहाबाद के लोग आए, बिंदी एक बड़ा नाम है बनारस में, अरे इंडिया में, सद्दी का जादूगर है जो सूता बनता है, वो मेरा बहुत क्लोज दोस्त है। जौनपुर का शकील, इंडिया का नंबर वन प्लेयर, ऑल इंडिया 2-3 बार जीता है, वो भी आया। और ऐसे जैसे दिल्ली के ओम प्रकाश हैं, सुनील हैं, ये लोग आए। इलाहाबाद से पप्पू हैं, ये लोग आए, राजेश मिश्रा, ये सब लोग आए। सब लोग ने पतंगबाजी सिखाया हम लोगों को, और आज के डेट में भी हम लोग सीख रहे हैं। लेकिन अब उम्मीद करते हैं भगवान की दया से, काफ़ी चीज़ें हैं बनारस में डेवलप हो गई। बनारस में आज के डेट में पतंग उड़ाने वाले इतने अच्छे लड़के हो गए हैं,
कि मैं घमंड तो नहीं कर सकता कि स्पोर्ट्स में घमंड करना ठीक बात नहीं है, लेकिन इंडिया का कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो बनारस में अब उड़ाना नहीं पसंद करता। ये पतंग में क्या खूबी है गंगाधर? ये देखिए, जोर भी लग रहा है, कोड़ी का भी काम किया हुआ है। जी, मैं दोनों चीज़ों में बहुत मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। जो कोड़ी भी खींचता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोड़ी से भी एक डिज़ाइन बन जाए, कोड़ी का भी एक डिज़ाइन बन जाए। मैं कोशिश ये करता हूँ, जैसे ये पतंग के हिसाब से इसका कोड़ी घिस के, एक्चुअली क्या होता है कि मुझे जो लगता है जो मेन डिज़ाइन है उसको थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए, तो इसको हाईलाइट करने के लिए ये किया हूँ। तो इसी तरह जो आपके दूसरे पतंगों में होता है, तो जो चीज़ है उसको मेन हाई, जो मेन डिज़ाइन है उसको थोड़ा सा मेन हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। कोड़ी का जी, जो कौड़ी से भी एक डिज़ाइन, मतलब वो कौड़ी प्लेन अगर रहेगा तो कौड़ी से भी एक डिज़ाइन जो है आपकी आ जाएगी। सिर्फ प्लेन कौड़ी का काम है, कौड़ी में भी अपने कौड़ी में भी अपने आप में तो अपना डिज़ाइन है ही है। ये जो स्टार है, ये लगाव है, ये डिज़ाइन बहुत मुझे लगाव है, और ये एक हमारे जो पतंग बनाने में सबसे उस्तादों के उस्ताद कहा जाता है कि अली नवाब साहब, उनकी फेवरेट डिज़ाइन है। तो मैं शुरू से ये डिज़ाइन का बहुत पागल प्रेमी रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। तो मैं कोशिश करके इस डिज़ाइन को बहुत हद तक जो है अपने काबू में किया हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये डिज़ाइन काफ़ी, स्टार में स्टार, चांद का डिज़ाइन, ये सारे जो डिज़ाइन हैं। एक्चुअली ये जितने भी आपका पेपर वर्क है, पेपर का जो क्वालिटी है, सारे उमदा है, आपका बारीकी भी है पूरा पतंग में। जी, तो कोशिश करता हूँ वो चीज़ें। पतंग हमको लगता है 1200 मीटर, तो हाँ हाँ, हजार तक तो जाएगा, आराम से जाएगा इसको, आप जितना दूर लेके जाना चाहे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पेच लड़ाने में कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस सही रहेगा इसका। जो है पतंग में 3-4 क्वालिटी होनी चाहिए। एक कुछ लोग कहते हैं कि पतंग हमने बहुत हंटर टाइट बना दिया, सिर्फ टाइट होने से नहीं होती है, पतंग में स्प्रिंग होना चाहिए, टाइटनेस तो उसका रहना ही चाहिए, पतंग में स्प्रिंग होना चाहिए, जंपिंग होनी चाहिए पतंग के अंदर, और पतंग में लोज भी होना चाहिए। पतंग को जब मैं खींचूं तो वो फूल के तरह आए, और जैसे मैं थाम लूं वो जो है एकदम करा रहे, डोर उसकी संग संग चले पेच के अंदर। तो ये सारी बारीकियां पतंग में हो इसका भरपूर कोशिश करता हूँ, इसलिए लोगों को पतंग देने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। इतना टाइम लग जाता होगा, और ऑर्डर्स भी आप लेते, बिकॉज सर डिज़ाइन देख के डेफिनेटली बोंगाल्डा के फैंस हो चाहे दूसरे ब्लॉक के फैंस हो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो आप क्या कोरियर भी करते हो? जी, कोरियर भी करता हूँ। बनाने में ये जो काम है डिज़ाइनर का, बनाने में टाइम तो लगेगा डिज़ाइन का, ये काम डिज़ाइन बनाने में टाइम लगता है। डिज़ाइन जैसे ये डिज़ाइन तो अच्छे लग रहे हैं, और भी डिज़ाइन देखिए, जैसे ये सब डिज़ाइन बनाने में एक डिज़ाइन आप शुरू करते हो, हाँ, तो तीन घंटा दो घंटा एक पतंग बनाने में कितना टाइम लगता है? नहीं, एक पतंग जैसे ये एक एज सच हम लोग एक पतंग तो बनाते नहीं है। जैसे मान लीजिए ये डिज़ाइन हमने बनाना चालू किया तो 12 या 24 पतंग इस डिज़ाइन की बनाऊँगा, तो खाली डिज़ाइन जोड़ने में मान लीजिए 24 डिज़ाइन जोड़ने में, ये वाला डिज़ाइन 24 जोड़ने में आपका 2-2.25 घंटा लग जाता है 24 खाली जोड़ने में। फिर उसके बाद मतलब पहले डिज़ाइन वर्क हो जाएगा, फिर आपका कौड़ी का काम होगा, फिर जो है आपका कमानी ठड्डी का काम, फिर फिनिशिंग। कोड़ी का काम आप सब में करते हो? जी, मेरी आपका एक खासियत जी। और ये पेपर्स कौन सा पेपर यूज करते हो? अजंता 4.7 या अजंता 4.7 भी यूज करता हूँ, प्लस ये खटीमा का एक अच्छा क्वालिटी आता है, खटीमा का अच्छा वेरिएंट यूज करते हैं, वो इसके पेपर के चमक जो है वो काफी डिफरेंट रहते हैं, फटने का भी चांस नहीं। खटीमा में दिक्कत ये है कि गर्म हवा जहाँ लगता है वो फटता है,
उस लिहाज से ये जैसे अभी ये गर्म का दिन आ गया ना, तो अभी के लिए सबसे अच्छा पेपर आपका अजंता 4.0। मैं आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक पीछे वो रेट में जी काफी सारा टूर्नामेंट हो रहा है, वहाँ पे पतंग का टूर्नामेंट भी हो रहा है। बालू वालू पूरा भरती है? हाँ, पूरा बालू का ही रेत है, ये 8 किलोमीटर का रेत है। यहाँ पौना या अद्धी भी होता है? मेनली पौना होता अच्छा, है यहाँ पे मेनली तो पौना, पौना का ही शौक ज्यादा है। अद्धी आपका ये गर्मी जब और थोड़ा बढ़ जाएगा, जब वहाँ थोड़ा गर्म ज्यादा हो जाता है, तो घाट के इस तरफ से उड़ता है अद्धी का, हवा बहुत तेज हो जाती है उस समय, तो पौना जैसे हम लोग देखते हैं कलकत्ता में, जैसे देख रहे हैं कि अभी पतंगबाजी बच्चे जैसे है ना मोबाइल में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। हाँ, तो अभी थोड़ा लॉकडाउन से वो चेंज हो रहा है जी, थोड़ा लोगों में इंटरेस्ट आया कि नहीं पतंगबाजी भी अच्छा आउटडोर स्पोर्ट है, माइंड भी फ्रेश रहता है। बनारस का हाल कैसा है? बनारस में लोगों का, बच्चे लोगों का, हमको लगता है बनारस में देखिए पतंग का एक तो क्रेज शुरुआत से रहा है, लेकिन जो छत की पतंगबाजी है, जो इन जनरल छत में जो पतंगबाजी होती है, वो कम हो गया है। अच्छा, इन जनरल पब्लिक जो पतंग उड़ाते हैं वो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जो क्लबों का शौक है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। क्लब का शौक काफ़ी बढ़ गए, मतलब समझ लीजिए इतने बड़े हैं कि अगर पहले 20 टीमें हुआ करती थी, तो अभी आप खोजने जाएंगे तो 60-70 टीम के ऊपर आपको मिल जाएंगे। गंगादा, आप भी तो एक क्लब से उड़ाते हैं? मैं घातक क्लब से उड़ाता हूँ। घातक इशू मेरे को बोले गंगादा जैसा पतंग लेकिन हम लोग को बहुत कम मिलता है, तो मेरे देखिए को लगा ये कि वो एक ये अच्छी अच्छी बात है कि पतंग अच्छी बन रही है, बहुत मेहनत से बनाता हूँ पतंग, बन रही है, नो डाउट अच्छी पतंग बन रही है। आपको एक बात पहले भी बोला कि जो उसमें इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, उसकी खाली टाइटनेस नहीं, उसकी स्प्रिंग, उसकी स्पंज और उसका में दौड़, उसके संग टाइटनेस, टाइटनेस का मतलब कि डोर संग संग चले, ये नहीं कि मैं खींच रहा हूँ मेरी पतंग वहाँ से वहाँ चला गया और झोल यहीं पे पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं। और प्लस जो है खींचने पे वो हल्का रहे और रोकने पे भारी रहे, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है मतलब एक अच्छी पतंग की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो उसमें देने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ और भोलेनाथ के आशीर्वाद से हो भी रहा है। देखिए मैं आपको आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो नए उभरते हुए कारीगर हैं उन लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ लड़कों को मैंने भी सिखाने की कोशिश किया, ये बहुत पेशेंस का काम है, बहुत ज़्यादा पेशेंस का काम है। कितनी रात जाग के मैं इसको सीखा हूँ आपको बता नहीं सकता। एक चीज़ हो नहीं रहा है, क्यों नहीं होगा, जब किसी ने इस चीज़ को बनाया है तो बनता होगा, तभी तो बनाया है। अब उसका आर्ट मुझे नहीं मालूम है, मुझे उस आर्ट को कैप्चर करना है, ये चीज़ दिमाग में रख के करना चाहिए। और पतंग बनाते समय वो जो है सक्सेस के पीछे ना भागे, एक्सीलेंस को कैप्चर करने की कोशिश करें तो सक्सेस वो ऑटोमेटिक उनको मिलेगा ही। आड़ी पतंग से स्टार्ट करते हैं, मैंने लाइफ का पहला ही पौना बनाया, तो मेरे जो उस्ताद है गोड़ादा, उन्होंने लॉकडाउन में ही मुझे गोड़ा उजीर कलकत्ता के हैं, गोड़ा उजीर वो एक्चुअली में इवेंट मैनेजर है उनका, म्यू करके अभी कंपनी का नाम था, ओएम है उनका, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, लेकिन वो पतंग बहुत अच्छी बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं और खास लोगों को देते हैं, मतलब बेचते नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे सिखाया था फ़ोन से सिखाया था, वीडियो बेच के, फ़ोन से बात करके, फ़ोन से वीडियो बेच के आपने सीखे कलाकारी ये नहीं, कहीं से नहीं सिर्फ उन्हीं से सीखा हूँ, फ़ोन से ही सीखा हूँ। इसके पहले मुझे मतलब कभी कमानी छिलने की भी कोशिश नहीं किया था, तो पहला जब कमानी छिला उनका, दादा ये तो जो है बैलेंस बनाते बनाते पूरा जो है झाड़ू का पैटी हो गया। पतंग उड़ा रहे जी, ये मेरा बहुत अच्छा मतलब काम में आया वो चीज़, क्योंकि मैं शुरुआत से अच्छी पतंग और अच्छी डोर उड़ाता था, तो अच्छी पतंग की क्या क्वालिटी है वो मुझे मालूम था। तो
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड प्रोडक्ट जो है वो भी बना। हाँ तो मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि ये पतंग में ये चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे बच्चे भी वैसे उड़ाते हैं ना, बहुत 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 पतंग घाट पे, बहुत पतंग। अभी तो थोड़ा गर्मी का सीजन आ गया है ना, तो घाट में बहुत पतंगे उड़ती है। बड़ा पतंग का जो आपने रेकमेंड किया, हम लोग ने उठाया, बड़ा मस्त आया। हाँ वो अभी उड़ते हुए भी आपको उसका वीडियो दिखा दूंगा, उतना बड़ा। हाँ उड़ता है, ट्रिपल पौनी है वो, ट्रिपल पौनी क्या, वो इंसान से बड़ा पतंग है वो। हमारा नाम फिरोज है और हमको लोग हाजी साहब भी कहते हैं। हाजी साहब हमारा नाम पतंग से ही पड़ा, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि गंगादा हमारे बड़े भाई हैं और इन्हीं के वजह से हम पहली बार रेत पे पौनी भी लड़ाए। और बनारस की सबसे जो टॉप की टीम उस समय की थी वाराणसी काइट क्लब सुक्खू बाबा की, तो गंगादा ने मांझा दिया अपना जो बनवाते थे मूविंग की डोर और जाफर की पतंग दी। उस पतंग से मैंने जिंदगी में पहली बार पौना पतंग लड़ाया और बनारस के सबसे टॉप प्लेयर के मैंने साथ काट दी। ये गंगा जी सत्ता मार दी, हाँ, सत्ता काट दिया। ये पश्चिम की हवा थी और तब से गंगादा पतंग की दुनिया में बहुत लोग के बाद आए। अब इनका भी एक्सपीरियंस 30 साल का है, लेकिन जो इनके दिमाग का जो नॉलेज है पतंग के बारे में, मांझे के बारे में, जगह के बारे में, हवा के बारे में, कि अगर पश्चिम की हवा है पानी के ऊपर कौन सी डोर लड़ेगी, गर्मी में कौन सी डोर लड़ेगी, इतना नॉलेज हमको लगता है कि बनारस में किसी के पास नहीं है। और गंगादा पतंग की दुनिया में बनारस में गॉड गिफ्टेड है और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और इन्हीं के साथ में पहली बार 2006 में जो हिंदुस्तान का कप उठाया आफ्ताब भाई, मिस्टर इंडिया हुआ, और 2006 में और हम गंगादा के साथ लड़ाने गए, हमने उनकी भी साथ काट दी पहली बार। तो ये हमारा इनका भाई, इनका नॉलेज था, इनका इनकी डोर थी, मांझा था, जजमेंट था। और पहली बार हम गए तो जौनपुर के लोग कन्ना बहुत काटते हैं, मेरी 5 पतंग कोरी कट गई, मैं थोड़ा सा मतलब अनकंट्रोल हो गया। और उसके बाद फिर हम 7 काट दिए, हमारा गेम वहाँ बढ़ गया, 2 पर्चा से बढ़ गया। तो गंगादा से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, चूँकि इनके पास पतंग का नॉलेज बहुत है। अब पूरा हिंदुस्तान हमको लगता है इनको जानता है। और उस समय आज से 15-20 साल पहले ये 2 टूर्नामेंट भी बनारस का जीत चुके हैं। और उसके बाद ये मांझा जब बनवाते थे मोबिन की, तो हमको लगता है कि उस दौर में इनके पास 100-200 चरखी मांझा रहता था और कम से कम 7-8 हज़ार पतंग रहती थी। जफर की पतंग होती थी, उसमें जफर की पतंग ज़्यादा आती थी, नरेश की पतंग थी, बहुत सारी पतंगें आती थी। बनारस में इतना स्टाफ किसी के पास नहीं था। और आज भी दादा पतंग बना रहे हैं, पिछले हमको लगता है 1 साल से हमको मालूम चला है कि दादा पतंग बना रहे हैं। हम इनकी पतंग एक बार उड़ाए थे अद्धी चौकी घाट से, पतंग अच्छी थी, मजबूत थी। जो दादा बताया कि पतंग में लोच होना चाहिए, स्प्रिंग होना चाहिए, और अगर से हम खींच रहे हैं तो पतंग हल्की होना चाहिए, रोक दे तो वो टाइट होना चाहिए। पतंग में ये क्वालिटी होना चाहिए, इंग्रेडिएंट अगर बढ़िया पड़ेगा तो माल भी अच्छा निकलेगा। तो सो जो भी है, हमारे बड़े भाई भी हैं, गुरु भी हैं, और हमने जो भी सीखा इनसे सीखा। शौक है भैया बहुत, क्योंकि हम तो स्पोर्ट्समैन रहे हैं, आज भी हैं। मैं बैडमिंटन नेशनल खेला, मेरा बेटा इंडिया खेला, मेरी वाइफ मिनी इंडिया हॉकी की प्लेयर रही। तो हम इस गेम में घुसे स्पोर्ट्स के तरफ कि हमको इसको डेवलप करना है, और बहुत हद तक हमने इसको काफ़ी मेहनत किया हूँ और अच्छे दिशा में दिखाई पड़ रहा है, अच्छे लोग आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ का बलखम है काशी का, बहुत पुराना इंडिया का, नौका दौड़ है, कबड्डी है, हाँ ये सब हमारे देश का है। इसको सब लोग, जैसे कि फ्रांस में टूर्नामेंट हुआ तो लोग फ्रांस में, बहुत विदेशी जाने पतंगबाजी, जो कि पतंग हमारे यहाँ देश का ही है। तो इस तरीके से काफ़ी, अभी जापान में टूर्नामेंट हुआ, उसमें भी लोग गए, लड़ा, पार्टिसिपेट किए लोग यहाँ से। वो क्या होता है बेसिकली, वो लोग शो का पतंग रखते हैं, शो का पतंग रखते हैं। और हम लोगों का क्या है, फाइटिंग मैच है, एक दूसरे को हम लोगों को जीतने का एकदम जुनून है। ग्राउंड के अंदर जाने के बाद हमको मैच में हम हारना नहीं पसंद करते, वो हम हो या अपोनेंट कोई भी हो, कोई नहीं चाहता कि मैं हारूं। ये बनारस के दीप काइट क्लब के मेंबर है संदीप भाई, बहुत पुराने पतंगबाज और उभरते हुए बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है हमारे शुभम भाई, दीप काइट क्लब के मेंबर।
इन्होंने आज फर्स्ट राउंड बनारस का जो लोकल टूर्नामेंट हो रहा है फर्स्ट राउंड इन्होंने आज जीत लिया है, इसलिए जो है मैं आने वाले यंग चैप को और अपने को भी मैं कहता हूँ अगेंस्ट टीम चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चा हो चाहे सीनियर हो, किसी को भी कमजोर नहीं समझता। हमारे आने वाले बनारस का सबसे हीरो है, हीरो है, उसके बारे में नो डाउट कोई सवाल ही नहीं है। जी, जी, जी। और इसको ऑल ओवर इंडिया हर मेंबर हर कोई जानता है। जी, ये है थीम काइट क्लब के ही मेंबर है बॉबी, जो कि बनारस के मशहूर पतंगबाज है। इन्होंने आज जो है टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड जीत लिया है। वो है थीम काइट क्लब के मेंबर बच्चा, वो भी बहुत पुराने पतंगबाज है। ये है हमारे बनारस के क्लब है हाउ मच भचा भच, जिसके जो है कप्तान है अजय मिश्रा जी। ये है बागेश पाठक, जो कि हाउ मच भचा भच क्लब के ही मेंबर है। ये भी उभरते हुए बहुत बढ़िया पतंगबाज है। ये हमारे जो है बुल्लू भैया है, बुल्लू पहलवान, जो कि ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट को कराने के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं ये इस टूर्नामेंट को कराने के लिए, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। बुल्लू भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। ये है हमारे पप्पू अंकल जी, दीप काइट क्लब के मेंबर है, प्लस ये टूर्नामेंट जो लोकल टूर्नामेंट हो रहा है इसमें भी ये बहुत दिलो जान से मेहनत किए हुए है। बहुत पुराने पतंगबाज है बनारस के, एक लोकल टूर्नामेंट हो रहा है, सभी मेंबर को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों का नाम ऊपर करेंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जैसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, क्रिकेट खेलना है हमको, बैडमिंटन खेलना है, तो पतंग भी उड़ाना है। ये हर के यंग यूथ में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। जो बच्चे 18 से 14 से लेकर के 20-22 साल के एज के हैं, वो पागलों की तरह पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग उसके नाते काफ़ी लंबा जाएगा और हम लोग उम्मीद करते हैं कि कभी ऐसा हो कि ओलंपिक में इसका नाम चला जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा।